हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मैं ना अभी अपने मायके के घर पे हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर के नहीं आई थी अपने लिए, क्योंकि अभी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा शादी वगैरह जो है ना अटेंड करनी पड़ रही है। सो बस मैंने सोचा क्यों ना अमेज़न से मैं शॉपिंग कर लूँ। सो बस मैंने वहाँ से कुछ सामान जो है कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। सो बस वही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक या ना को सब्सक्राइब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए मैं अपने प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने मंगाई हुआ है लोटस हर्बल का ये फेशियल किट है, डायमंड फेशियल किट। जैसे कि अभी शादियाँ चल रही हैं तो फेशियल वेशियल और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना तो बनता है, तो इसी वजह से मैंने ये फेशियल किट मंगाई हुई है। और ये मैंने मंगाया है पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी का स्पॉटलेस ये फेस वॉश है। सो मैंने ये बिग साइज़ का मंगा लिया है, अगर मैं अपने घर भी जाऊँगी तो वो मेरा यूज़ हो जाएगा। वैसे यूज़ करने वाली मैं अकेली ही हूँ इसको, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया हुआ है। और ये मैंने मंगाया है पॉन्ड्स सिल्की स्मूथ स्किन मॉइस्चराइजर लोशन। एक ये लोशन मैंने मंगाया हुआ है। तो ये मैंने जो है ना इसमें विटामिन B3, E और C है, 275 ml का है। तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तब ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा यूज़फुल लग रहा है तो आप लोग डेफिनेटली मंगवा सकते हैं। और आप लोग जो है जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग कि मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कौन सा, मतलब ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं करती हूँ ये मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑनियन बालों के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, और अभी इस टाइम पे जो है ना ऑनियन वाले हेयर ऑयल्स ही ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो बस मैंने भी जो है मंगा कर देखा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मैंने एक और मंगा लिया। वैसे एक बॉटल मेरी जो है ना फिनिश हो चुकी है, तो इसलिए मैंने एक और मंगाया है। ये मैंने मंगाया था 150 ml की बॉटल मैंने मंगाई, और पिछली बार छोटी मंगाई थी, लेकिन अभी इस बार मैंने थोड़ी सी बड़ी मंगा ली है। देखते हैं, अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से मेरे बालों में बहुत ज़्यादा रूसी हो जाती है, तो इसकी वजह से मुझे ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये एवर यूथ का मैंने मंगाया है स्क्रब, वॉलनट स्क्रब है। ये मेकअप फिक्सर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेकअप करने के बाद में जो स्प्रे किया जाता है, हर मुझे ना शुरू से ऐसा लगता था कि इसके बाद में जब जब मैं पार्लर पे तैयार होती थी ना, तो लास्ट में जो स्प्रे किया जाता था मेरे फेस के ऊपर, तो मैं बोलती थी क्या लगाते हैं। तो मैंने एक दीदी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेकअप फिक्सर लगाया जाता है ताकि आपका मेकअप जो है ना सेट सेट रहे। तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगाया है मेकअप फिक्सर, स्विस ब्यूटी का है। एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे मिस रोज़ का ये लूज पाउडर मंगाया है। एक मेरा ख़त्म हो गया है, तो दूसरा ये मैंने मंगाया है। तो एक ये है, और ये लूज पाउडर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैंने खोल कर देख लिए थे, और जो रैपर्स वगैरह आए थे ना इसके, वो सब मैंने हटा दिए। कुछ इस टाइप से जब मैं मेकअप करूँगी ना नेक्स्ट टाइम, मेकअप की वीडियो जो है ना मैं शूट करूँगी, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लगा करके और फुल मेकअप मेरा होने वाला है। तो ये मैंने मंगाई थी 3D आईलैशेस। ये मुझे थोड़ी सी कॉस्टली मिली है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट करी है। क्योंकि काफ़ी सारी आईलेसेस मैंने ऐसे देखी है ना कि जो है ना आईलेसेस बड़ी हो जाती हैं, और कभी कभी एकदम फेक जैसी लगती हैं, तो ये नेचुरल जैसी लगती हैं मुझे, और ये 3D आईलेसेस है। देन उसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, ये लोटस हर्बल का ये वाइट ग्लो जेल क्रीम है, जो कि मैं डे क्रीम एज अ जो कि मैं एज अ डे क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इससे पहले जो है ना मैं एक और क्रीम यूज़ करती थी पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का, लेकिन उससे कहना भी मेरा फेस बहुत अजीब सा हो रहा था, चिप चिप सा, तो इसलिए मैंने ये मंगाई है, तो ये मुझे अभी अच्छी लग रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये मंगाया हुआ है डव का ये कंडीशनर है।
ये हेयर फॉल कंडीशनर है, और लास्ट मैंने मंगाया है यहाँ पे फिट मी का फाउंडेशन, स्पॉटलेस फाउंडेशन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे स्किन में, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच भी हो गया, और ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल, मतलब अजीब सा लगता है बहुत से शेड वगैरह। आप लोग देख के ज़रूर मंगाइएगा, अपने स्किन टोन के हिसाब से मंगाइएगा, क्योंकि शेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। पहले मुझे भी ऐसी ही आती थी, जब हम लोग लोकल मार्केट में जाते थे ना, तो उस टाइम पे तो हम लोग हाथ पे लगा कर देख लेते, लेकिन जब ऑनलाइन आप लोगों को फाउंडेशन सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि पिछली बार कहना मैंने मेरे शेड से, मेरे स्किन टोन से भी ज़्यादा डार्क वाला मंगा लिया था, तो फिर वो मुझे वापस करना पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने ये वाला अपना मंगाया है, तो ये मेरे स्किन में बहुत अच्छे से मैच हो गया, तो इसलिए मैंने ये छोटा ही मंगाया। नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा भी मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया है। तो जी यहाँ पे फिट मी फाउंडेशन के साथ में मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी मिला है, तो ये मुझे कॉम्बो में मिल रहा था, तो मैंने फिर दोनों ही ले लिए, वरना मुझे अलग अलग से लेने पड़ते, और सेम ही शेड में मैंने लिए हैं दोनों, तो ये हैं। देन लास्ट हमारा ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है मैंने ये हिट का ये मॉस्किटो रैकेट मंगाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पिछली बार हमारे पास एक और था ना, तो वो क्या है ना, गिर गया था नीचे, तो वो टूटा तो नहीं, ख़राब हो गया लेकिन गिरने के बाद, लेकिन अभी फिर हमने ये मंगा लिया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों के यहाँ पे भी बहुत सारे मच्छर हैं, तो आप लोग मंगा सकते हैं, क्योंकि मच्छर की बहुत ज़्यादा मतलब कहाँ तक हम ऑल आउट वगैरह लगाते रहेंगे, तो इसी वजह से मैंने ये रैकेट मंगाया हुआ है। और ये रैकेट जो है ना, इस टाइप से चलता है, ये देखो ये रेड लाइट चल रही है ना, तो ये चालू है, और इसको चार्ज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी सेल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस तरह से हम चार्जिंग पॉइंट में लगा सकते हैं, और 1 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाता है पूरा, तो उसके बाद हम इससे बहुत सारे मच्छर मार सकते हैं। तो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स, कैसे लगे आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तब ताकि आप लोगों को जो है आसानी हो जाए, ढूंढना ना पड़े, आसानी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।